नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। ये वीडियो नई तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इस तीस्ता रिवर को मैं उस ब्रिज पर से शूट करके दिखा दिया हूँ दोस्तों, लेकिन मैं इस समय दूसरे एंगल पे खड़ा हूँ और इस दूसरे एंगल से मैं इस तीस्ता रिवर को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज भी कह सकते हैं और इसे डैम भी कह सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप सामने, थोड़ा सा नीचे चलता हूँ और यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँगा मैं आपको। बहुत ही ख़तरनाक जलस्तर है इस समय दोस्तों तीस्ता नदी का, जबकि अभी बाढ़ का टाइम नहीं आया है, बारिश भी उतनी नहीं हुई है, लेकिन ये देख सकते हैं इस सदावाहिनी नदी का जलस्तर सदैव इतना ही रहता है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों तीस्ता नदी। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी में यह सबसे विशाल नदी है दोस्तों तीस्ता नदी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सीन यहाँ से आ रहा है दोस्तों, इसलिए मैं इसको दूसरे एंगल से एक अलग वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और उधर चलते हैं। वो दूर डैम में भी आप देख सकते हैं, और जिसको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है डैम का विकराल रूप, वहाँ पानी किस तरह से बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बह रहा है उसको मैंने दिखाया है। अगर आप देखे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को जा करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 15 से 20 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं चैनल पर सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और न्यू पैगुई के टूरिस्ट प्लेसेस की, जिसमें मैंने ख़ास तौर से नदियों और यहाँ के पहाड़ों को कवर करने की कोशिश की है, और मैं कहीं कहीं पर आपको चाय के बागानों को भी दिखाने की कोशिश किया दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं आप बिल्कुल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो शूट करना बाकी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।